हर घर शिक्षा में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे हमारे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड लेकिन उससे भी पहले जहाँ पर इमरान सर ने आपको ये वाला लेसन पढ़ाया है तो आप वो वाली वीडियो को देख लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है ठीक है ताकि आप जब इस वाले टेस्ट वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो आपको उसमें कोई भी डाउट ना हो और आपके फुल मार्क्स आ पाएं लेकिन अगर वो उस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप उसके ऊपर हमें मैसेज करिए एंड देन हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे ठीक है सो so स्टार्ट करते हैं टेस्ट लेकिन उससे भी पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सो so स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट और इस टेस्ट में रहेंगे फिफ्टीन क्वेश्चन ठीक है एंड वन मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और फाइव क्वेश्चन रहेंगे हमारे चूज दी करेक्ट ऑप्शन के एंड फाइव क्वेश्चन रहेंगे फिलप्स के एंड बाकी के फाइव रहेंगे हमारी ट्रांसलेशन तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो कि है चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट तो इसका ए ऑप्शन है ही डोंट बेथ इन विंटर्स ही डोंट बेथ इन विंटर्स बी है ही डजेंट बेथ इन विंटर्स ही डजेंट बेथ इन विंटर्स एंड सी ऑप्शन है डू ही बेथ इन विंटर्स क्वेश्चन मार्क डू ही बेथ इन विंटर्स क्वेश्चन मार्क तो मैं आपको फाइव सेकेंड्स दे रही हूँ इसको अटेम्प्ट करने के लिए इस वाले क्वेश्चन को और चूज करिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है फाइव सेकेंड्स है आपके पास में सो so, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सो हमारा करेक्ट आंसर या फिर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ही डज एंड इन विंटर्स ऐसा क्यों है क्यों बी वाला सही है बी वाला इसलिए सही है क्योंकि इसके अंदर जो हमारा नेगेटिव रूल है प्रेजेंट इन डेफिनेट का वो फॉलो हो रहा है लाइक like ए वाले में है ही डोंट और हमें पता है कि सिंगुलर ही शी या फिर किसी भी की नेम के साथ में हम डोंट का यूज़ नहीं करते वहाँ डज का यूज़ होता है ठीक है तो इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट है ए वाला गलत है और सी वाला भी गलत है क्योंकि वहाँ पर भी ही के साथ में डू का यूज़ हो रहा है जबकि डज़ का होना चाहिए था ठीक है सो तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर वो भी हमारा चूज़ दी करेक्ट स्टेटमेंट तो इसका ए ऑप्शन है शी लव्स हर कैट अलॉट She loves her cat a lot and b option hai she love her है a lot and c option hai do है not love her cat a lot question mark इन तीनों में से बताइए कौन सा वाला ऑप्शन है जो करेक्ट है ठीक है आपके पास पूरे फाइव seconds हैं सो इसका जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए she loves her cat a lot ये वाला क्यों सही है क्योंकि present indefinite जो हमारा affirmative का rule होता है वो होता है subject plus verb की first form plus s या es plus object right और she he या फिर किसी भी के name के साथ में या singular के साथ में हम verb की first form plus s और es का use करते हैं और जबकि plural या फिर दे जैसे कि वी हो गया आई हो गया यू हो गया उसके साथ में हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कर यूज़ करते तो हैं यहाँ पर शी है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसा ई एस का भी यूज़ होना था सो दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि जो हमारा ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है और बी वाला करेक्ट नहीं है और सी वाला भी करेक्ट नहीं है ठीक है तो जिसने भी सही आंसर दिया वो प्लस वन कर लो बट जिसने गलत दिया है वो उसको कट कर लो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे वो भी है हमारा चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट इसका ए ऑप्शन है डोंट यू नो अबाउट हर क्वेश्चन मार्क बी है डज यू not नो अबाउट हर क्वेश्चन मार्क सी है डज यू नो अबाउट हर क्वेश्चन मार्क आप बताओ इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपके पास पूरे फाइव सेकेंड है लेकिन अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं सो so, इसका जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए डोंट यू नो अबाउट हर क्वेश्चन मार्क ठीक है अब सेम रूल है यू के साथ में हम डू का यूज करते हैं ठीक है तो इसलिए ए वाला ऑप्शन सही है एंड बी और सी वाला रॉन्ग है अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे वो भी सेम है चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट इसमें जो हमारा ए वाला ऑप्शन है वो है सिमरन सिंग अ सॉन्ग बी है सिमरन डू सिंग अ सॉन्ग एंड सी है सिमरन सिंग्स अ सॉन्ग अब बताओ इन तीनों में से कौन सा सही है आपके पास पूरे के पूरे 5 सेकंड्स हैं सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी सिमरन सिंग्स अ सॉन्ग क्यों सही है वही रूल्स के अकॉर्डिंगली क्योंकि हमें पता है सिंगुलर के साथ में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस आता है और सिमरन किसी का नाम है जो कि सिंगुलर है तो इसलिए सी वाला सही है एंड ए और बी में हमने वर्ब के साथ में एस और ई एस का यूज नहीं करा जबकि सी में हो रहा है सिमरन सिंग्स आ रहा है ठीक है तो इसलिए सी वाला सही है एंड ए और बी वाला हमारा रॉन्ग हो गया अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे वो भी है चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट ए ऑप्शन है डू आई नॉट हेल्प पुअर्स क्वेश्चन मार्क बी है डज आई हेल्प पुअर्स क्वेश्चन मार्क एंड सी ऑप्शन है आई हेल्प पुअर्स अब बताओ इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ठीक है आपके पास पूरे के पूरे फाइव सेकेंड से लेकिन ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं so, इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए डू आई नॉट हेल्प पुअर्स क्वेश्चन मार्क ये भी अकॉर्डिंग टू रूल्स क्योंकि आई के साथ में हम डू का यूज़ करते हैं तो इसलिए ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है ठीक है अब जिसने भी सही आंसर दिया है वो प्लस वन कर लो तो हम नेक्स्ट चलते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो रहेंगे अब हमारे फिलप्स के क्वेश्चन ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा फिलअप का तो क्वेश्चन नंबर सिक्स था यू डैश योर होमवर्क यू डैश योर होमवर्क अब इसमें बताओ कि डजेंट आएगा डजेंट आएगा या फिर डज इन कम्प्लीट आएगा या फिर डोंट कम्प्लीट आएगा ठीक है जल्दी से बताओ या फिर कंप्लीट्स आएगा चलो चार ऑप्शन दे दिए मैंने बताओ क्या आएगा इसके अंदर यू डैश योर होमवर्क डजेंट या फिर डज इन कम्प्लीट या फिर डोंट कंप्लीट या फिर कंप्लीट ठीक है आपके पास फाइव सेकेंड्स हैं लेकिन सेम ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं सो so, इसका जो करेक्ट है आंसर यानी कि क्या आएगा इसके अंदर तो इसमें आएगा डोंट कंप्लीट क्योंकि यू के साथ में हम डू का यूज़ करते हैं ठीक है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क ठीक है जिसने भी सही आंसर दिया है वो प्लस वन कर लो जिसने गलत दिया है वो कट कर लो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन सेम है फिलअप का अब ये है डैश शी गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क डैश शी गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क अब बताओ इसमें डू आएगा या डज आएगा जल्दी से बताओ बहुत ईजी है ये तो बच्चों वाला हो गया है ना फाइव सेकंड्स है सो so, इसमें आएगा डज क्यों क्योंकि सिंगुलर के साथ में शी या ही के साथ में या किसी के भी नेम के साथ में हम डज का यूज़ करते हैं तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर डज आएगा और पूरा सेंटेंस बनेगा डज शी गो टू तो स्कूल क्वेश्चन मार्क अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे एट पे वो भी है फिलअप का तो इसमें है डैश आई नोट गो टू तो स्कूल इन दी मॉर्निंग एवरी क्वेश्चन मार्क डैश आई नोट go to school in the morning every day question mark अब इसमें भी बताओ डू आएगा या डज आएगा 5 सेकंड से ये भी बहुत इजी है सो so, इसमें आएगा डू क्योंकि आई के साथ पे हम डू का यूज करते हैं जिसने भी सही आंसर दिया वो प्लस 1 कर लो जिसने गलत दिया उसको कट कर लो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है वो भी फिलप्स का ही है ठीक है तो so, इसमें है शीतल डैश टू माय होमवर्क वंस इन अ वीक शीतल डैश टू माय होम आपको बहुत इजीली पता है क्योंकि शीतल जो है वो किसी का नेम है और किसी भी नेम के साथ में जब हम वर्ब यूज करते हैं तो उसके अंदर एस या ई एस लगाते हैं तो इसलिए यहाँ पर कम्स आएगा कम नहीं आएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेंथ वो भी फिलअप का है तो उसमें है

अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि ट्रांसलेशन के रहेंगे यानी कि मैं आपको हिंदी सेंटेंस दूंगी और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है विद द प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल ठीक है सो so अब जो हमारा इलेवेंथ क्वेश्चन है ट्रांसलेट का उसका सेंटेंस है वे हमेशा सुबह छ बजे पढ़ने के लिए उठता है वे हमेशा सुबह छः बजे पढ़ने के लिए उठता है फाइव सेकेंड्स है जल्दी से ट्रांसलेट करो अपने कॉपी में कर लो इसको तो ठीक है तो इसका जो करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो बनेगी ही ऑलवेज वेक्स अप एट सिक्स इन द मॉर्निंग फॉर स्टडिंग ही ऑलवेज इन द मॉर्निंग फॉर स्टडिंग जिसने भी सही आंसर दिया प्लस वन जिसने गलत दिया वो कट कर लो ठीक है अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे वो है हम सब शाम सात बजे के बाद मैदान में खेलते हैं हम सब शाम सात बजे के बाद मैदान में खेलते हैं इसको जल्दी से इंग्लिश ट्रांसलेट करो हिंदी टू इंग्लिश करना है ठीक है फाइव सेकेंड है ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हो आप सो इसकी जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो है वी प्ले इन प्ले ग्राउंड आफ्टर सेवन इन इवनिंग वी प्ले इन प्ले ग्राउंड आफ्टर सेवन इन इवनिंग ठीक है अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे वो भी ट्रांसलेट का है तो हिंदी सेंटेंस है वह कब अपने पिताजी के साथ क्रिकेट खेलने जाता है क्वेश्चन मार्क वह कब अपने पिताजी के साथ क्रिकेट खेलने जाता है क्वेश्चन मार्क मार्क्स है जल्दी से तो वीडियो को पॉज कर सकते हो सो so इसकी जो करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है वेन डज ही गो टू प्ले क्रिकेट विद हिज फादर क्वेश्चन मार्क वेन डज ही गो टू प्ले क्रिकेट विद हिस्स फादर क्वेश्चन मार्क जिसने भी सही आंसर दिया है वो प्लस वन कर लो जिसने गलत दिया है वो कट कर लो और क्वेश्चन मार्क् नहीं लगाया तो हाफ मार्क्स कट कर लो बिकॉज ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो उसके साथ में क्वेश्चन मार्क् आता ही है अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो की क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के भी ट्रांसलेशन का है तो ये सेंटेंस है हिंदी वाला क्या वह हर दिन शाम में अपनी बहन के साथ पिज्जा खाता है क्वेश्चन मार्क क्या वह हर दिन शाम में अपनी बहन के साथ पिज्जा खाता है क्वेश्चन मार्क् जल्दी से ट्रांसलेट करो इंग्लिश में सो so, इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी इंग्लिश में वो बनेगी डस ही ईट पिज्जा विद हर सिस्टर डस ही ईट पिज्जा विद हिज सिस्टर एवरी डे इन इवनिंग डस ही ईट पिज्जा विद हिज सिस्टर एवरी डे इन दिनिंग क्वेश्चन मार्क् ठीक है अगर आपने सही आंसर दिया है तो प्लस वन गलत दिया है तो कट कर लो ठीक है अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे मैं क्यों हर वक्त अपने भविष्य की सोचता हूं मैं क्यों हर वक्त अपने भविष्य की सोचता हूँ जल्दी से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो फाइव सेकेंड से ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लो सो so, इसकी जो करेक्ट इंग्लिश की स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी वाई डू आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई फ्यूचर क्वेश्चन मार्क वाई डू आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई फ्यूचर क्वेश्चन मार्क ठीक है तो अगर आपने इसका सही आंसर दिया तो प्लस वन कर लो अगर गलत दिया है तो उसको कट कर लो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए हो लेकिन नहीं भी सही दिए कोई डाउट है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं हम आपको उसका रिवर्ट बैक कर देंगे हमारी टीम आपको उसका रिवर्ट बैक कर देगी आपको जो भी डाउट होगा सो आई होप ये क्लियर है तो चलो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में या फिर नेक्स्ट वीडियो में Tapta kili bye bye, tata, and take care. Thank you so much for watching this video and attempting this test. And don't forget to mention your marks in the comment.